मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में दिवाली से पहले मध्य प्रदेश वासियों को देने जा रहे हैं ये बड़ी तोहफा। दोस्तों स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार द्वारा मध्य प्रदेश वासियों के लिए दीपावली पर देने जा रहे हैं ये बड़े तोहफे के विषय में। क्या आप जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। आइए बढ़ते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दर्शकों दिवाली से पहले एक और वादा पूरा करने की तैयारी में है कमलनाथ सरकार। महिलाओं के लिए खुशखबरी है, प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने दिवाली से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा देने का फैसला किया है। सरकार महिलाओं से किया गया अपना एक और वचन पूरा करने जा रही है जिसके अंतर्गत अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने में घर की महिलाओं को पार्टनर बनाते हैं तो रजिस्ट्री कराने में आपको सिर्फ 1100 रुपये देने होंगे। दरअसल कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले ये वचन दिया था कि वह प्रॉपर्टी में महिलाओं को हिस्सेदार बनाएगी ताकि वे समाज में सशक्त और मजबूत हो सके। कमलनाथ सरकार अचल संपत्ति के सह स्वामित्व विलेख में के खर्च में संशोधन करने जा रही है जिसमें सरकार महिलाओं को 50% तक अधिकार देने की तैयारी में है। रोजगार, व्यापार और ठेकेदार में उन्हें आगे लाने की नीति का पर काम किया जा रहा है। इसके लिए सरकार आदेश तैयार करवा रही है जिसे जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा और हरी झंडी दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि दिवाली से पहले सरकार इसे कैबिनेट में मंजूरी देकर लागू कर सकती है। सह स्वामित्व विलेख का अर्थ है कि परिवार के पुरुष सदस्य अगर अपनी पत्नी, बेटी या पुत्री या पुत्र वधु को स्वयं की अचल संपत्ति में हिस्सेदार बनाते हैं तो उन्हें रजिस्ट्री के प्रपत्रों में संबंधित महिला का नाम जुड़वाने के लिए मात्र 1100 रुपये खर्च करना होगा। गौरतलब है कि वर्तमान में पुरुष को अपनी संपत्ति में पत्नी या पुत्र वधु या पुत्री को हिस्सेदार बनाने के लिए सरकारी कीमत का 3% नगर पालिका शुल्क और 1% ब्लॉक ड्यूटी, 0.5% उपकरण और 0.8% रजिस्ट्री फीस यानी कुल 5.3% खर्च करना पड़ता है। लेकिन ताजा निर्णय के अनुसार अब यह समस्त शुल्क 5.3% को भी शून्य किया जा रहा है। पुरुष अब मात्र 1100 रुपये फीस देकर अपनी प्रॉपर्टी में पत्नी, बेटी या पुत्र वधू को हिस्सेदार बना सकता है।